नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। रक्षाबंधन पर्व का बहिष्कार करता प्रजापति समाज। दिनांक 31 जुलाई, दिन शुक्रवार 2020, लोकेशन मुजफ्फरनगर यूपी, उत्तर प्रदेश। प्रजापति महासभा मुजफ्फरनगर के तत्वाधान में मैनपुरी प्रजापति अग्नि हत्याकांड में मारे गए प्रजापति परिवार को न्याय दिलाने हेतु एक धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, राज्यपाल जी को, उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम पर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के माध्यम से मांग पत्र दिया गया और सरकार को चेताया गया कि मैनपुरी प्रजापति की निर्मम हत्या कर सरकार सो रही है, कोई आर्थिक मदद व न्याय नहीं दिया तथा बेटियों की रक्षा सुरक्षा न किए जाने के विरोध में प्रजापति समाज इस बार इस रक्षाबंधन पर्व का बहिष्कार करता है। प्रजापति समाज उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए, आर्थिक व सरकारी नौकरी तथा परिवार को धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेजना जरूरी है तथा मुख्य अपराधी संजय ठाकुर भाजपा ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेजें और CBI जांच कर परिवार का न्याय दें और मृतक की 3 बेटियां हैं, 2 वर्षीय बच्चे को इंसाफ दें, 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद तथा बेटे मोहित प्रजापति को सरकारी नौकरी दें। उत्तर प्रदेश सरकार इस धरना प्रदर्शन में सत्यवीर सिंह प्रजापति एडवोकेट, वरिष्ठ समाज सेवी नेता जी श्याम लाल प्रजापति जी मंडल अध्यक्ष, मोहन प्रजापति जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा। प्राइम न्यूज 24 के लिए नीरज प्रजापति की खास रिपोर्ट। 17 तारीख की रात को घटना हुई मैनपुरी के खरपरी माधव नगर गांव थाना कोतवाली मैनपुरी में, जिसमें राम बहादुर प्रजापति और उसके पूरे परिवार पर तेल छिड़क कर उनकी निर्मम हत्या की गई, जिसमें 5 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें 2 बच्चियां हैं, 1 महिला है, 1 पुरुष है और 1 2 साल का बच्चा है। इसमें सरकार को अनेक संगठनों ने, इससे पूर्व भी हमने मुजफ्फरनगर में धरना प्रदर्शन करके